ये है मेन एंट्रेंस ऑफ अन्ना पार्क, ये वाला है अन्ना पार्क। और यहाँ पे आपको जैसे आप इंटर होते हो तो आपको यहाँ पे टिकटिंग वगैरह दिखेगा, तो यहाँ पे टिकटिंग इसकी ऐसी है, यहाँ पे इतना प्राइस है इसका। और फॉर प्रोफेशनल कैमरास 2000, और यहाँ पे इनके अन्ना पार्क एयर कट के सेल लिस्ट लगाई हुई है, और यहाँ पे एंट्रेंस है। ये अन्ना पार्क का ही एक नाम लिखा हुआ है, और एक फाउंटेन है जो खाली है और कुछ खास ही नहीं। राइट साइड में बच्चे लोगों की जगह थी और लेफ्ट साइड में प्लांटेशन हो रहा था। तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं इतना क्यों इन्होंने चार्जेस लगाया है इसका। देख रहा हूँ कुछ देखने को खास मिल जाए। यहाँ पे तो बस गार्डन ने बोले तो पेड़ पेड़ इस तरीके से बनाया है उनके पूरा है। आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बस ये कुछ बनाया है लकड़ी टाइप का, लेकिन लकड़ी है नहीं, सीमेंट का ही है। कुछ है नहीं यहाँ पे अन्ना पार्क के अंदर, बस आ सकते हो बैठ सकते हो, कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, थोड़े बहुत लोग हैं बस, काम करने वाले ही ज़्यादा हैं अंदर आए हुए लोगों से। शायद आज है या नॉर्मली ऐसा रहता है पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं आज आया हूँ तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक ठाक है, लेकिन कल अगर आते तो और अच्छा लगता, क्योंकि कल फॉग वगैरह थे तो वो टाइम में सीन ही अच्छा रहता अगर ये टाइम में आते तो। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं आज पूरी चीज़ें। कल इन्जॉय वेदर किया, आज चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ें इन्जॉय कर रहे हैं, क्या है कैसा है। और थोड़ी बहुत हल्की बहुत धूप भी आ रही है। अभी हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे लेक व्यू पार्क के अंदर, देखते हैं वहाँ पे जाते हैं या वहाँ पे भी एसी मिलता है। कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और लेक व्यू रोड के इस साइड में है, पीछे साइड में है या लेक व्यू पार्क का, और देखता हूँ कुछ है नहीं है लेक व्यू पार्क, कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या सोचे, रादर देन गोइंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम विल गो टू बोटिंग। हम लोग अभी सीधा बोटिंग के पास जाएंगे, और बोटिंग के पास जाने के बाद वहाँ से हम लोग को ये मिलेगा व्यू। तो इधर जाके खाली पीले टाइम वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी सूरज तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता हुआ ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी हम लोग जल्दी निकलते हैं, बोटिंग की तरफ जा रहे हैं। इंटर हुए हैं बोट हाउस के जाने के लिए, तो मैं थोड़ा आगे क्या देख के आता हूँ, इसके लिए आगे आया। तो यहाँ पे है ना इको पार्क है, इको टूरिज्म पार्क इसका नाम है, और इसके सामने है एयरकार्ट फिश एक्वेरियम, यहाँ पे है। बोटिंग के अंदर आए हैं यहाँ पे, बोटिंग की जगह पे, और यहाँ पे उन्होंने फ़ोन वोन यूज़ करने के लिए मना किया है। ओह, मेरे को इस तरह पैडलिंग करना पड़ रहा है। और ये बोट का कैसा सीन है, यहाँ पे 30 मिनट्स आप राइड कर सकते हो, एंड सेल्फीज स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया है। भैया ऐसे तो चीज़ें मैं जिम में क्या करता हूँ लेग्स के लिए, मेरे लेग्स के ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा है इसका। ओ माय गॉड, 30 मिनट्स का दिया है, वर्थ इट, वी कैन रीच टू दैट पॉइंट एंड वी कैन कम बैक। एक्चुअली हम लोग अभी बोट चला रहे हैं, गॉड बिल्डिंग में थाइस में बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि मेरे को ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ये बहुत नज़दीक है ये पेडल्स विथ माई लेग, और मेरे लेग पे बहुत इफेक्ट हो रहा है इसका, पेन हो रहा है इधर। अभी शायद हम लोग वो साइड जा सकते हैं, उसमें रास्ता बनाया है उन्होंने, लेकिन मसला ये है कि पेडलिंग करना पड़ेगा। अभी बाहर आ गए, और ओ माई गॉड माई लेग्स आर वेरी बैडली, इट्स पेनिंग वेरी बैडली। बोटिंग से अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं, मैंने यहाँ पे साउथ इंडियन थाली ऑर्डर किया हूँ, यहाँ केले के पत्ते में खिला रहे हैं लोग, केले का पत्ता इसका घर बनाया दिया है उन्होंने, सो नंबर वंबर रहेगा। तो हम लोग अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग फिर देखते हैं, जो कल हम लोग बिकॉज ऑफ फॉग जो चीज़ें नहीं देख पाए, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी विजिट करेंगे। तो खाना खा के फिर हम लोग उस जगह निकलते हैं। माई गॉड इट वॉज वेरी हैवी मील्स, बहुत सारा खाना था, ख़त्म नहीं हुआ विद ऑमलेट एंड ऑल। अभी हम लोग है ना विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, हम लोग है ना टिपरेरी एक स्पॉट है वहाँ पे जा रहे हैं अभी, इट्स ऑफ रोडिंग एरिया, और मैं अभी सर्कल में खड़ा हूँ यहाँ पे, जो नॉर्मली हुआ करता था यहाँ पे, फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था। अभी हम लोग है ना यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग ये
ऑफ रोड से होके जा रहे हैं टिप्पेरी। ओके, रोड ऐसे हैं यहाँ पे। अभी भी फॉग आना स्टार्ट हो गया। ओ, नज़दीक तक आ रहा है अभी। यहाँ पे सामने देखो, सामने में, सामने के तरफ भी आ रहे, तब से नहीं था, अभी यहाँ पे फॉग आ गया है। ओके, यहाँ तक आ रहा है अभी ना। क्लाइमेट वापस से चेंज हो रहा है, देखो सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे है ये पहाड़ के ऊपर का रास्ता है, ऑफ रोडिंग थी, और ये वाला व्यू है एक्चुअली, वहाँ से ऊपर से ये व्यू दिखता है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ है नहीं, फॉग वगैरह कुछ है नहीं। और यहाँ पे देखो ये बड़े लंबे लंबे झाड़ हैं यहाँ पे, मतलब ट्रीज इतनी लंबी लंबी है। और ये पीछे ना कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिटी में फॉग नहीं था आज, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम से आते ही ऐसा हो गया सीन। यहाँ पे थोड़ा ही टाइम रुका था, इधर ही रुका था, ज़्यादा हिला भी नहीं। और ये देखो, तब से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ तक, अभी पूरा क्लियर हो गया है। आसमान भी मुझे दिखाई दे रहा है, और लाइट से सूरज भी आ रहा है, और आसमान एकदम से ना ब्लू ब्लू, और इट्स नाइस, और बहुत सही सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोई पहाड़ी टाइप है, ये हमने जो नीचे से देखा था तो वही है, ये यहाँ से ऊपर का व्यू दिखाई दे रहा है। हवाई चल रही है, अच्छा भी लग रहा है मैं, लेकिन मेरे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो, मैं अकेला ही आया हूँ इधर घूमते घूमते। एक्चुअली 4x4 के अंदर बिठा के लेके जाते हैं, यहाँ से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ तक लेके आते रहेंगे, रास्ता तो है लेकिन यहाँ तक ही लेके आते रहेंगे, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और यहाँ से आगे की तरफ तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और ये पूरा झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई, झाड़ियाँ, बड़ी बड़ी झाड़े, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी आई गेस। तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपन और दूसरे प्लेस पर जाते हैं, वो भी एक व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ का व्यू देखते हैं कैसा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, टाइम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं नीचे उतर रहा हूँ वही रास्ते से जो रास्ते से आया था, हो 4x4 वो रास्ते से मैं भी जा रहा हूँ नीचे। नीचे जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, दूसरे पॉइंट पे फौरन निकलते हैं और देखते हैं वो वाला पॉइंट कैसा है। अभी हम लोग है ना वही रोड से नीचे जा रहे हैं, ये बिट घाट सेक्शन, घाट सेक्शन के जैसा रोड है ये, और रोड भी बहुत ख़तरनाक है। अभी बज रहा है 3:30 आई गेस, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 3:30 बज रहा है अभी, और 3:30 बजे के टाइम में ऐसा है। रोड भी बहुत अच्छा है, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बोल सकता हूँ मैं इसको, मतलब टू व्हीलर बाइक से आते हैं तो ओ माय गॉड, बहुत सही जगह है ये। पॉइंट के पास, और मुझे है ना बस ये दिखाई, जंगल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे है ये बड़ा स्टोन है, उसमें से ये बड़ा पेड़ निकला हुआ है, बस यही दिखाई दे रहा है, बाकी का और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरा धुंध छाई हुई है, धुंधला है, लेकिन अच्छा है, मतलब सीन्स वगैरह अच्छे हैं। नीचे इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक फैमिली जा रही थी, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि गाँव है नीचे गुंटूर, बताया उन्होंने। तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम लोग निकलते हैं फिर यहाँ से, कुछ उतना ख़ास है नहीं तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे, एक दो तीन फ़ोटो ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उतना अच्छा तो है नहीं, फॉग है ये, तो फॉग मिल जाता है उधर ही, लेकिन हाँ इतना है कि ये पहाड़ी टाइप है, पहाड़ के अंदर है तो दिखने में ज़रा अच्छा लगता है। और फॉग अभी आ रहा है, फॉग आते रहता है जाते रहता है,
एक अच्छा लगता है सीन इसका। अभी जाते हैं, देखते हैं दूसरी जगह क्या है। मैं सोच रहा हूँ नीचे की तरफ जाऊँ, यहाँ पे कलप्पी फॉल्स कुछ है, उसको एक बार देख लेते हैं और फिर जाते हैं ऊपर की तरफ। हम्म।